हाय गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइज, मोटोरोला जो है अपने मोटो G73 को इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। इनफैक्ट ये जो फ़ोन है अगले महीने हमें लॉन्च होता हुआ दिख सकता है, मतलब फरवरी के अंदर जो है ये फ़ोन लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है ये फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एंड इसकी कंप्लीट बिल्ड ट्री डिटेल्स, मतलब कि किस तरीके का ये जो फ़ोन दिखेगा, क्या स्पेसिफिकेशन इसके इंडियन वाले वेरियंट की होने वाली है, वो आउट हो चुकी है। एंड इसकी प्राइसिंग की बात भी हम करेंगे, लेकिन पहले करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन एंड बिल्ड की बात। तो गाइज, मैं साहिल आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यार चैनल द ट्रिकी गाइज पे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्ट एंड डिज़ाइन की बात करें तो जैसे टिपिकल मोटोरोला के फ़ोन होता है, उसी तरीके का जो है इसका लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे जो है डुअल कैमरे का सेटअप है, पॉलीकार्बोनेट वाली बैक है, एंड फ्रंट में जो है आपको पंच होल टाइप के जो है डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर जो है आपको 6.5 इंच की एक 120 हर्ट्ज की IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। एंड जो इसके अंदर फिंगरप्रिंट है आपको साइड माउंटेड वाला देखने के लिए मिलेगा। 3.5mm जैक भी देखने के लिए मिलेगा डुअल स्टूडियो स्पीकर के साथ। कैमरास की बात करें तो इसके अंदर जो है आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। रेयर के अंदर जो प्राइमरी सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का, एंड जो सेकेंडरी है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। एंड फ्रंट की बात करें तो इसके अंदर जो है आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। पहले जो है कंपनियां 3-4 कैमरे तक आ गई थी, अब जो है दोबारा हर फोन जो है लगभग डुअल कैमरे सेटअप के साथ आ रहा है। कॉस्ट कटिंग दबा कर चल रही है हर कंपनी के साथ। ऐसी मोटो में भी ट्रिपल कैमरा की जगह डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर लेटेस्ट मीडियाटेक की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी 930 वाला प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। 6 nm पे जो है ये प्रोसेसर बेस्ड है, एंड 5G के भी आपको अच्छे खासे बैंड इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड इस फोन में जो रैम टाइप यूज़ की गई है वो है LPDDR4X वाली, एंड जो स्टोरेज टाइप यूज़ की गई है वो है UFS 2.2 वाली। बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड की बात की है तो इस फोन के अंदर जो है आपको 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ। उसके साथ ही जो है 30W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। एंड अच्छी बात यह है कि जो चार्जर है आपको फोन के साथ ही देखने के लिए मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की बात करी जाए तो इसके अंदर जो है आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। एंड UI की बात करी जाए तो इसके अंदर जो है MyUX देखने के लिए मिलेगा, जो कि क्लोज टू एंड्रॉइड रहता है। एंड मोटोरोला का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। फोन की प्राइसिंग की बात करें तो ये जो फोन है यूरोपियन कंट्रीज में केवल एक वेरिएंट के अंदर लॉन्च हुआ है 8 to 56 GB में, एंड उसकी प्राइसिंग जो है वो है 26,000 रुपये। और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है फ़ोन थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है इंडिया के कंपेयर में, अगर मोटोरोला के केस में देखा जाए तो। और इंडिया के अंदर जो है ये फ़ोन 6 128 GB के अंदर भी ज़रूर लॉन्च होगा। एंड लीक्स के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है जो इस फोन की कीमत है इंडिया के अंदर 20,000 रुपीज़ के लगभग रहेगी 6 128 GB वाले वेरियंट की। तो 20,000 रुपये में 6 GB का वेरियंट और इसी स्पेसिफिकेशन के साथ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से जो है फ़ोन ठीक ठाक है, इस प्राइस रेंज में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वैसे इस साल जो है काफ़ी एक्सपेंसिव जो है फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं पिछले साल के कंपेयर में देखा जाए तो। वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, चाहे रियलमी की तरफ से देखो चाहे MI की तरफ से देखो, अब मोटोरोला की तरफ से भी ये जो फ़ोन है थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके का ये फ़ोन लगा। एंड अगर आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।